अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि ये हमारा पहला चैप्टर है, पहली वीडियो है कोर्स की, जो कि न्यू व्यूअर्स के लिए भी है और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट हम किस तरह एक्सिस ब्रोकर पे हम किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद हम किस तरह अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और किस तरह से हम अपना डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप में अलग से भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने ग्रुप कॉपी कर लेना है और डायरेक्ट इसके ऊपर आपने चले जाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये वेबसाइट आ जाएगी आप सबके सामने। यहाँ पर आपने रजिस्टर पे आना है। ठीक है, जब हम रजिस्टर पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंट्री, जो हमारी जो भी कंट्री है पाकिस्तान, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं अभी फ़िलहाल एक टेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को इसका तरीका बता देता हूँ कि किस तरह हम क्रिएट करेंगे अकाउंट। ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट इस पे क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जो लोग लैपटॉप पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने कंप्यूटर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उनके सामने इस तरह से जो है ना एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा ये। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको वेब ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, हमें जाना है पर्सनल एरिया में। पर्सनल एरिया में जाने का तरीका, ये जो यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं, ये पर्सनल एरिया आ गया, यहाँ पर हम आ जाएंगे डायरेक्ट, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पर्सनल एरिया आ गया। मोबाइल पे जो लोग लॉगिन करेंगे, मैं एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा उनको, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ग्रुप में, तो वो डायरेक्ट अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्ट पर्सनल एरिया में जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप आएंगे अकाउंट वेरिफिकेशन करने पे, अकाउंट अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट प्रोफाइल पे हमने क्लिक करना है। अब ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, आपके ईमेल पे कोड आएगा, वो आप कोड इस ईमेल को वेरीफाई करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाके कोड डालेंगे, फिर अपना नंबर कोड आएगा, वो भी आप इस तरह वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन आपने वेरीफाई करनी है। अगर इसमें आपको कोई इशू आए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद फिर आपको करना होगा अपना केवाईसी। जब ये आप तीनों स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करेंगे, फ्रंट और बैक। ठीक है, एड्रेस वही डालेंगे केवाईसी में जो आपके एड्रेस पे मैं जो आपके एनआईसी पे मेंशन होगा, वरना फिर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो एड्रेस आपके सीएनआईसी पर हो, वही एड्रेस आपने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन में डालना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी डू इट लेटर कर देता हूँ। ये तमाम तीनों स्टेप्स आप जब पूरे कर लेंगे, तो उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करेंगे आईडी वेरिफिकेशन के लिए। नेम आपने वही लिखना है जो आपके सीएनआईसी पर होगा, डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखनी है जो आपके सीएनआईसी पर होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ डालनी होंगी। अभी ये टेस्ट ईमेल है, तो मैं इसमें वेरीफाई नहीं कर सकता नंबर और ईमेल, तो ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एड्रेस वेरीफाई करने के लिए भी आपको अपना सीएनआईसी ही अपलोड करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होगी। ठीक है जी, मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेमो अकाउंट पे, क्योंकि जितने भी लोग अभी ग्रुप मेंबर्स हैं स्पेशली, ये वीडियो उनके लिए, ये कोर्स उनके लिए बनाया जा रहा है पूरा, तो उनको मैं कहूँगा कि वो सबसे पहले डेमो अकाउंट की तरफ आ जाएँ। ठीक है, डेमो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, MT5 और MT4 आप बना सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ किस तरह बनता है। ओपन न्यू अकाउंट पे हम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे डेमो अकाउंट्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्रो, रॉय स्प्रेड। आप लोगों ने सिंपल जो रिकमेंडेड अकाउंट है, रिकमेंडेड वाला आपने कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपसे पूछ रहा है रियल या डेमो। ठीक है, तो डेमो अकाउंट हमने बनाना है। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पर हमें बनाना है MT4, MT5 हमारा ऑलरेडी एक बना हुआ अकाउंट, तो ये हमने स्टैंडर्ड अकाउंट
यहाँ से सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। डेमो अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है, डेमो हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टार्टिंग बैलेंस आपने जो भी रखना है यूएस डॉलर के हिसाब से, चाहें तो आप उसको, लेट सपोज मैं 1000 डॉलर अपना बैलेंस रख लेता हूँ, करेंसी यूएस डॉलर हमने सिलेक्ट की हुई है, अकाउंट नेम अपना जो भी रख लें आप, जो भी आपका नाम है, टेस्ट अकाउंट, पासवर्ड भी हम इसका टेस्ट, ठीक है, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। 1000 डॉलर हमने इसमें कैपिटल रखा था और 10000 डॉलर हमने इसमें पहले से हमारे पास आ रहा था। बैलेंस हम सेट कर सकते हैं जितना चाहें, इसको भी मैं 1000 डॉलर कर देता हूँ, ठीक है, ये भी अपडेट हो गया। अच्छा, अब MT4 और MT5 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, इन दोनों में ट्रेडिंग का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। MT4 नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी, और ये स्पेशली, मतलब मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए है जो न्यू सीखने वाले होते हैं ना, ये उनके लिए बेस्ट है MT4 अकाउंट। तो इसी तरह से जो MT5 है ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए होता है, जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये उन लोग, वो लोग तमाम जो हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो इन दोनों के भी मैं डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह हम MT4 MT5 पे लॉग इन करेंगे और उसके क्या क्या डिफरेंस हैं दोनों के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट के ऊपर। जितने भी ग्रुप मेम्बर्स होंगे हमारे सीखने के साथ, स्टार्ट तो आप लोग डेमो पे करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे सिग्नल्स वगैरह पे, और इसके बाद जब आप रियल अकाउंट पे आएंगे तो रियल अकाउंट में आप लोगों ने यूएस डॉलर अकाउंट नहीं लेना है, ठीक है, इसमें हमने लेना है MT4 सेंट अकाउंट। ये जो आ रहा है स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, ये हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें लेवरेज हमने कर देना है 100, करेंसी हमने सिलेक्ट करनी है यूएस यूनाइटेड स्टेट सेंट, यूएस डॉलर सेंट, नेम अपना आपने जो भी रखना होगा वो आप रख सकते हैं, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। अच्छा, अब डॉलर अकाउंट और सेंट अकाउंट में क्या फ़र्क है, लेट सपोज मैं यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अब देखें, इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ ताकि इजीली समझ में आ सके। ये $100 है, ठीक है, अब ये नॉर्मली $100 है। अब अगर आप डॉलर अकाउंट में ट्रेड लेते हैं $1 की, तो वो $1 ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, और अगर इसमें आपका लॉस होता है लेट सपोज $5 का, तो वो $5 का ही लॉस होगा, ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई ऐसा सेंट अकाउंट हमें मिल जाए या कोई ऐसा अकाउंट हमें मिल जाए कि हम $1 की भी मल्टीपल लॉट्स ले सकें, क्योंकि $1 से छोटी लॉट आप ले नहीं सकते, चाहे MT4 में ट्रेड करें या MT5 में ट्रेड करें। अभी सिर्फ आप लोगों ने समझना है और लिख अपने पास नोट करनी है हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आगे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। अच्छा, ये हो गई डॉलर अकाउंट की बात, ठीक है। अब डॉलर अकाउंट में ज़ाहिर है अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है $1 का, तो $1 ही होगा, और $5 हो रहा है तो $5 ही होगा। इसी तरह लॉस का भी सेम होगा, जितना हमें लॉस हो रहा है वो डॉलर्स में हो रहा है, ठीक है। अब सेंट अकाउंट में क्या होता है, लेट सपोज मैं सेंट अकाउंट में $100 डिपॉजिट करता हूँ, तो सेंट अकाउंट में $100 जो होंगे ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 से, तो इसकी जो कैलकुलेशन निकलेगी हमारे सामने वो आएगी 10,000, ठीक है। इस सेंट अकाउंट में आपका जो $1 होता है वो 100 times इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो सेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब ट्रेड करेंगे तो आप सेंट के अकाउंट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेट सपोज अब अगर मुझे यहाँ पे $1 की ट्रेड लेनी है, तो मैं $1 की 100 लॉट्स भी ले सकता हूँ, 10
10 लॉट्स भी ले सकता हूँ और 5 लॉट्स भी ले सकता हूँ. लेट सपोज अब मैं अगर यहाँ पे लॉट साइज काउंट करता हूँ 0.10, इसका मतलब होगा 10 सेंट्स की मैंने एक लॉट ले ली. ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं यही सेम 0.10 लॉट साइज़ की मैं 10 लॉट्स लेता हूँ तो मेरा $1 काउंट होगा. तो इसमें ज़ाहिर है रिस्क भी कम होगा. अगर आप 10 सेंट्स का लॉस कर रहे हैं तो यानी कि आप $1 का भी 10% लॉस कर रहे हैं. सेंट्स में आपका लॉस होगा, सेंट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा. ठीक है ना, 1 सेंट की जो कीमत होती है पाकिस्तानी रुपीस में, जैसे $1 है इस टाइम, अगर हम चेक करें US डॉलर का क्या रेट चल रहा है, 277 रुपीज़ इस वक्त डॉलर की प्राइस है. ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर 277 को डिवाइड करता हूँ 100 से, तो 1 सेंट की जो प्राइस है वो 2.77 रुपीज़ है. यानी कि अगर आप 100 सेंट का लॉस कर रहे हैं तो आप 277 यानी कि $1 का लॉस कर रहे हैं, जो कि इस कैलकुलेशन पे लॉस होना बहुत कम है. अगर आप $100 का लॉस करेंगे तो यानी कि आप 27-28 हज़ार का लॉस कर रहे हैं, और अगर आप 100 सेंट का लॉस कर रहे हैं तो आप 277 रुपीज़ का लॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फ़र्क होता है सेंट अकाउंट में और डॉलर अकाउंट में. तो सेंट अकाउंट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी न्यू लोग हैं सीखने वाले वो सेंट अकाउंट पे ट्रेड करें. जिनके छोटे अकाउंट होते हैं $100, $50, $20, $30 तक के जिनके अकाउंट हैं, वो सेंट अकाउंट से स्टार्ट करें, उस पर प्रैक्टिस करें. ठीक है, अगर छोटा लॉस होगा तो उसे आप कवर भी कर सकते हैं इजीली. हाँ, अगर आपका अकाउंट $1,000, $2,000, $3,000 का है तो फिर आप डॉलर अकाउंट पे भी काम कर सकते हैं. उसमें फिर आपका लॉस रेशो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इक्विटी ज़्यादा होती है. लेकिन छोटे बैलेंस के हिसाब से और छोटा जो आपका टारगेट होता है उसके हिसाब से सेंट अकाउंट बेस्ट होता है. ठीक है, अब सेंट अकाउंट हो या MT5 का अकाउंट हो या डॉलर अकाउंट हो, जो भी जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं रियल डेमो, वो MT5 और MT4 पे किस तरह लॉगिन किए जाते हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, इस वीडियो को आप लोग समझें, अपने पास जो नोट डाउन करें, और जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो आप पूछ सकते हैं, और अपने अपने अकाउंट इस लिंक के ऊपर क्रिएट कर लें जैसे मैंने बताया है. डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में लिंक मैं प्रोवाइड करा हुआ है ऑलरेडी. तो इस लिंक के थ्रू आपने अपना अकाउंट बनाना है. अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें गाइड करूँगा. ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.